हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी की एक अहम कड़ी है और टेक्नोलॉजी के बगैर हम जो है आज कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे फिर स्मार्टफोन कहिए या फिर कंप्यूटर कहिए। तो इस कोरोना की महामारी में बचने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप को जो है डेवलप किया है, जिसका नाम है कोरोना कवच, जिसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी के साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऐप को जो है डेवलप किया है, ताकि जो इन्फेक्टेड लोग हैं या फिर हमारी हेल्थ कैसी है, क्या हम जो है यहाँ पे कोरोना से इफेक्टेड है या फिर हमें सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस ऐप के ज़रिए हमें यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत या फिर जो है हेल्प मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने यह ऐप बनाई है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक यूज़फुल ऐप होने वाली है। तो आज हम जानेंगे इस ऐप के बारे में कि इसको कैसे यूज़ किया जाए और ये हमारे जो है किस काम में और कैसे आने तो वाली मेरा है। नाम है शाकिर और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने सेफ आप आपके घरों में हैं, उतने आप बाहर नहीं हैं। तो लॉकडाउन को प्लीज़ फॉलो करिए और जो है इस ख़तरनाक वायरस से बचिए। तो कुछ यहाँ पे प्रिकॉशन आपको मिल जाएंगे कोरोना कवच में। ऐप का इंटरफेस आपको जो है इतना देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ कंडीशन बताई गई है, कुछ आपको प्रिकॉशन बताया गया है और कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज बताई गई है, तो आपको जो है उसको फॉलो करना है अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, ऑल गुड है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या क्वारंटाइन होना चाहिए या फिर जो है आप यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि आप इन्फेक्टेड हो, हर कोई जो है सेफ़ रहे। तो हमें यहाँ पर जो है रजिस्टर करना है इसमें, तो उसके लिए हमें हमारा फ़ोन नंबर यानी हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद एक OTP आएगा 4 नंबर का, तो वो यहाँ पे इंटर करके हमें जो है इसको रजिस्टर कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर इंटर। तो ये आ चुका है OTP और हमें इसको वेरीफाई कर लेना है। कोरोना कवच ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें एक्टिव केसेस यहाँ पे अभी कितने केसेस है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद कितने लोग अभी कोरोना वायरस से जो है ठीक हुए हैं, उसके बाद कितने लोगों की यहाँ पे मौत हुई है और अभी कितने यहाँ पे पैसेंजर वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा हमें जो है दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये एक बीटा वर्जन है, तो बीटा है। इसके बाद हमें एक ऑफिशियल ऐप मिलेंगी प्ले स्टोर पर, जहाँ पर हमें जो है इसको दोबारा से अपडेट करना होगा और रजिस्टर करना होगा, ताकि हमें एक्यूरेट और सही से जो है पता लगे और इसके अलावा भी कुछ नए फीचर इसमें जो है ऐड हो सकते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अगर आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ़ होती है तो आप जो है यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, इनहेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से ये ऐप वर्क करती है, तो आपके एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ब्रीथिंग वगैरह। तो काफ़ी अच्छी बात है कि जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या फिर जो इन्फेक्टेड लोग हैं या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो है इस ऐप के ज़रिए यहाँ पे पता लगा सकते हैं। उसके बाद ये है आपकी ईमानदारी का सबूत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर जो है आप ठीक है। तो अगर आप में कुछ आपको सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यस और नो, अगर नहीं है तो नहीं। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है आपको वो यहाँ पे सेट करना है। उसी के साथ यहाँ पे आप फॉरेन से आए हैं या फिर किसी से मिले हैं तो यस और नो। उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है वो भी आपके सामने यहाँ पे नहीं तो नहीं। उसके बाद गले में या फिर आपको कोई ड्राई कफ वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे यस और नो कर दीजिए। और उसके साथ ही यहाँ पे आप जो है किसी ऐसे बंदे से या ऐसे कंट्री से आए हैं जहाँ पे जो इंडिया के बाहर है, तो वो भी आप यहाँ पे यस और नो उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आप सेफ़ है या फिर आपको कुछ प्रिकॉशन करना चाहिए। तो ये तो हो चुका है यहाँ पे इस तरह से इसका ऐप का इंटरफेस। उसके बाद यहाँ पे अपलोड है, तो ये अभी क्या है यूनिक आईडी, ये मुझे नहीं पता। तो ये ऐप जो है इस तरह से वर्क करती है और अभी जो है इसका स्टेबल वर्जन आना बाकी है। तो और एक ऑप्शन आपको और भी मिल जाता है कि अगर आप जो है कहीं मार्केट वगैरह में जा रहे हैं, तो आपको ये 1 घंटे का टाइम देता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि जिन बंदों के पास ये ऐप है, अगर वो यूज़ करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको प्रॉब्लम है, तो उन्हें इस ऐप के ज़रिए पता लग जाएगा। आपके ऐप जो है आपको अलर्ट कर देंगी, क्योंकि आपके फ़ोन का GPS और साथ ही यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन हो जाता है इस ऐप को यूज़ करने के बाद। तो ये एक्सेस मांगती है, तो यही इस ऐप का एक फंडा है कि ये इस तरह से वर्क करती है। इस तरह से कोरोना कवच ऐप वर्क करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसको बनाया है और अभी इसका स्टेबल वर्जन आना बाकी है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो आपके घरों में रहिए,
लॉकडाउन को फॉलो करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपके परिवार को ना हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। आप सभी को पता है कि सारी दुनिया जो है इससे जूझ रही है, तो प्लीज़ आपके घरों में रह के सेफ़ रहिए। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जब इसका स्टेबल वर्जन आ जाएगा तो आप जो है प्लीज़ उसको अपडेट करके दोबारा से रजिस्टर कर लेना। तो बस मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।